अपनी माँ के हाथ से केक नहीं खाओगे? आपके हाथ से तो खुशी खुशी मार भी खा लेता माँ, लेकिन अफसोस सारे हक खो चुकी हैं आप। आपने जो किया है ना माँ, वो मेरे लिए भूलना बिल्कुल आसान नहीं है। अगर कुछ है तो सिर्फ नफरत। हमने जो भी गलत किया वो याद है तुम्हें, पर इतने सालों में जो सही किया उसे भूल गए तुम? अपनी जिंदगी सवारने के लिए आपने किसी और की जिंदगी छीनना चाहिए? आपको लगता है इतने बड़े पाप के सामने आपके अच्छे कर्म टिक पाएंगे? जो आपने किया है ना, उसकी कोई माफी नहीं है। अपनी मां के आगे बड़ी बड़ी बातें करने लग गए हो, पर जब तुम छोटे थे, मासूम थे, तब तुम्हें अपने जन्मदिन की कितनी खुशी होती थी, कितना इंतजार रहता था तुम्हें, और हम तुम्हारे लिए पूरा घर सजाते थे। एक बार तो इतना तेज बुखार, और फिर भी उस हालत में हमने पूरी तैयारी की कोई कमी नहीं छोड़ी, याद है चिकू? जिंदगी में हमने सिर्फ एक ही चीज चाही है, और जो कुछ भी किया सिर्फ उसी के लिए किया, तुम्हारी खुशी। देर, अबे इतनी रात को कौन आ गया? मैं देखता हूँ चाची। सर आपके लिए गिफ्ट है, बर्थडे गिफ्ट है। बर्थडे गिफ्ट? हाँ। इतना बड़ा गिफ्ट? मैंने तो नहीं मंगवाया भाई। नहीं भाइयों, ये मेरा बवाल नहीं हो सकता, मैंने भी नहीं मंगवाया। मम्मी, मुझे तो ये आपका ही कांड लगता है। आए आए, जे काश हम इतना बड़ा वाला गिफ्ट मंगा लेते तो कितना अच्छा लगता भाई चीकू को। बच्चे हमने ना मंगाया चीकू, सच्ची कह रहे। आप देख लो, आपने तो नहीं मंगा लिया। नहीं नहीं भाई, मैंने नहीं मंगाया। अगर आप में से किसी ने नहीं मंगाया तो शायद फिर गुड्डन ने मंगाया होगा, राइट? पर नाम भी तो नहीं लिखा है। पॉप, देख क्या रहे हो? गिफ्ट खोलो। हाँ हाँ चिकू, खोल के तो देख। Okay, dear.
अच्छी क्या कर रही है यहाँ? क्या बताऊं यार, तुम्हारे इतने पास आके कैसा लग रहा है? तुम्हारी सांसें तक सुन सकता हूं मैं, लेकिन तुम्हारा वो पहलवान भाई और तुम्हारी खड़ूस मम्मा है ना, वो मुझे तुमसे ना मिलने दे रहे हैं ना बात करने दे रहे हैं। hey, चश्मेश इधर देखो, किसी दो ना एक बहुत टाइम हो चुका है। कम ना, इधर देखो ना, अरे देखो तो सही, इधर देखो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? हाँ सॉरी पर मजबूरी है जीजू, मैं छोटी के पास आपको जाने नहीं दे सकता। मेरे साले साहब, क्यों मेरे प्यार की नैया को डुबाने की तरफ ले जा रहे हो? हाँ ऐसे नहीं चलेगा, सासू मासू में खूब बात करते। क्या कर रही हैं सब आप? क्यों रोक रही है मुझे गुड्डन से मिलने से? चलिए बताइए कहाँ है वो? हमने रोका तुम्हें, हमने तो तुम्हें बहुत बड़ा चांस दिया ना हमारी छोटी के साथ रहकर अपनी जिंदगी बिताने का। तुम फैसला ले लो और फिर जी भर कर मिलना। प्यार करते हो ना छोटी से, तो साबित करने में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है अगस्त है? क्या मिलेगा आपको ये सब करके? जानना चाहते हो? शुरू से शुरू करते हैं। तुम्हारी माँ ने हमारी प्रेग्नेंट बच्ची को हॉकी स्टिक से इतना मारा कि वो बेचारी कोमा में चली गई। आई एम सॉरी मिस्टर अगस्त्य, आपकी वाइफ कोमा में जा चुकी है। उतने में भी उनका दिल नहीं भरा, उन्होंने हॉस्पिटल में जाके उसे जान से मार देने की कोशिश की। जब वो उन सबसे लड़के घर वापस आई तो उसे पागल घोषित करके पागलखाने भेज दिया। तुम्हारी गुड्डन का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। छोड़ेंगे नहीं आपको, मैं अगस्त्य प्लीज इन्हें बोलो कि मुझे मत लेकर जाए। इतने में भी जी नहीं भरा, बाद में उस पर गुंडे छोड़े उसे जान से मारने के लिए। ना हमारी बेटी ने तुम्हारे लिए सहा है ना अगस्त्य, अगर उसका 1% भी तुमने किया होता ना, तो आज खुशी खुशी अपनी बेटी तुम्हें सौंप देते हैं। सोचा है कभी क्या बीती होगी छोटी पर और क्या बीतती होगी हम पर जब हम अपनी बेटी को इस हाल में देखते हैं? 20 साल पहले दूर हो गए थे हम उससे, और जब वापस आए तो वो हॉस्पिटल में थी, एक जिंदा लाश की तरह पड़ी थी हमारी फूल सी बेटी। क्यों? तुम्हारी वजह से, क्योंकि उसका पति उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, उसकी रक्षा नहीं कर पाया। फिर भी हमने कोशिश की कि तुम्हारी माँ अपने सारे गुनाह कबूल कर ले और बात यही खत्म हो जाए, पर नहीं, वो नहीं मानी। उन्होंने हमें किडनैप करवाया, हमें जान से मार देने की कोशिश की। थे तुम इन सब में? तुम्हारी अपनी बीवी चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी ना तुमसे, चीख रही थी ना, पर तुमने तो उसका विश्वास ही नहीं किया। क्यों अगस्त्य? और तुम जानते हो ना उसने मंगलसूत्र क्यों लौटाया? लेकिन फिर भी तुम उसे ही ब्लेम कर रहे थे,
अगस्त मुझे कुछ नहीं सुनना। ये बात सुनो अगस्त। मुझे तुम्हारी एक बात नहीं सुननी। जबकि तुम जानते थे ये सब किया धरा तुम्हारी माँ का है। उन्होंने ही मजबूर किया था ना छोटी को। अगर अगस्त को बचाना चाहती हो तो उसकी जिंदगी से तुम्हारा हमेशा के लिए दूर रहना जरूरी है। लाओ दे दो ये मंगलसूत्र। इतना सब हो जाने के बाद तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी माँ अभी भी सजा की हकदार नहीं है? उन्होंने हर बार तुम्हारा फायदा उठाया है अगस्त। अपने बुरे मकसदों को कामयाब करने के लिए तुम्हें बहकाया है। पर अब कब तक? तुम्हें स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा अगस्त। अपनी बीवी, अपना बच्चा, राशि तुम अनाथाश्रम से लाए थे ना उसे? परिवार है ये तुम्हारा, तुम पर जिम्मेदारी है इनकी अगस्त्य। तुम्हें घर जमाई बनना होगा अगस्त्य, और अपनी मां के लिए सजा तय करनी होगी। काश मैं ये दवाई अगस्त्य तक पहुंचा पाती, उसे जरूरत हो। मैं चाहता हूं कि आप दोनों साथ में रहो। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, ये चीज किसी से छुपी भी नहीं हुई। लेकिन आप शायद दूसरी शर्त भूल रहे हैं कि जब तक आप अपनी माँ को सजा नहीं दिलवाते तब तक आप छोटी से नहीं मिल सकते। इसलिए बड़ी माँ के ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ेंगे आपको, और एक अच्छा पति होने का धर्म निभाना पड़ेगा। पर सॉरी जीजू, सॉरी छोटी, मैं अपनी बड़ी माँ के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता। और मैं ये भी जानता हूं कि छोटी भी अपनी मां के फैसले के खिलाफ कभी जाना नहीं चाहेगी। आफ्टर ऑल सोशल डिस्टेंसिंग का जमाना जो है। राइट। और जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं ना, सासू मां कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट होती जा रही है। लेकिन इन बीतते दिनों के साथ साथ
चश्मिश के लिए मेरा प्यार और भी गहरा हो रहा है। मैं चाहूं तो उनके हर फैसले को मना कर दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। सिर्फ अपनी चश्मिश के लिए। अगर ये उनकी बात मान सकती है तो मैं भी मान सकता हूं, और मैं साबित करके बताऊंगा कि मैं इसके लायक हूं। और एक और बात साबित करूंगा कि उनको इस दुनिया में मुझसे ज्यादा तगड़ा और हैंडसम जमाई कोई नहीं मिलेगा। लेकिन जाने से पहले मैं अपनी चश्मिश को कुछ देकर जाना चाहूंगा। इजाजत है साले साहब? इनकी अमानत है इसमें, इनके पापा की निशानी। रेस्टोरों के पेपर्स हैं, अब इन्हें तुमसे कोई नहीं छीनेगा। मैं किसी को छीनने ही नहीं दूंगा। भैया, मैं भी आपके जीजू को कुछ देना चाहती हूँ। तुमने मेरा हर दर्द कम करने की कोशिश की है, मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। लगा लेना प्लीज। कितनी चोट लग गई होगी उसको। मम्मा, मुझे प्लीज जाने दीजिए। अभी मत रोकिए, उसे बहुत चोट लगी है। मुझे बस अभी आ जाऊंगी, प्लीज मम्मा। ये चोट तो भर जाएगी छोटी, लेकिन अगर आज तुम उससे मिलने गई वो अपना फैसला लेने में कमजोर पड़ जाएगा। मम्मा, फिर जो चोट पुष्पा जी ने दी है वो कभी नहीं भर पाएगी। तुम बेटी हो हमारी, तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहेंगे। आप भी तो मेरी मम्मा है ना। मैं आपकी बेटी हूं ना, आप क्यों नहीं मान रही है मेरी बात। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो भी कुछ हुआ है ना उसमें अगस्त की कोई गलती नहीं है, सच में। छोटी बैठो। किसी की गलती देखकर भी उसे अनदेखा करने वाला उतना ही गलत होता है जितना की गलती करने वाला। ऐसा नहीं है मम्मा, समझ क्यों नहीं रही है मेरी बात को। प्लीज मुझे जाने दीजिए ना। आपको पता, अगर पापा होते ना बिल्कुल ऐसा नहीं करते हो। पापा की बहुत याद आ रही है, बहुत प्यार करती हो ना उनसे। अच्छा, एक कहानी सुनाए क्या तुम्हें? पता है छोटी, जब हम नए नए शादी करके चिंदल भवन आए थे ना, तो हमने देखा कि चिंदल साहब ना अपनी बहुओं से बहुत प्यार करते थे। हमें तो सीधी आंख देखते तक नहीं थे, हमेशा उनका सपोर्ट करते थे। और हम इतनी सी उम्र में तीन तीन बहुओं की सास बन गए, तो अनबन होनी तो जायज है। एक बार तो दुर्गा बहू ने, यानी तुम्हारी डीजे ने ना, हमारे पापा की बहुत इंसल्ट की, बहुत गुस्सा आया था हमें। और हमें लगा था कि चिंदल साहब उन्हीं का साथ देंगे, पर नहीं।
जिंदल साहब ने तब उनका साथ नहीं दिया बल्कि सच का साथ दिया। पता हमेशा ना सच को सपोर्ट करते थे, सही को सपोर्ट करते थे, फिर चाहे वो किसी का भी हो। हमारी ना सही तो अपने पापा की बात मान ले। छोटी पता है जो लोग दिल से सोचते हैं ना वो बहुत स्पेशल होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम दिमाग लगाना छोड़ दें, हम स्ट्रांग ना बने। आपकी हर बात से अग्री करती हूँ मैं मम्मा, पर एक बात बताइए, आप भी तो हमेशा एक अच्छी बहू एक अच्छी पत्नी बनकर रही ना, मतलब चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई आपने अपनी बहू होने का फर्ज अपनी पत्नी होने का फर्ज कभी नहीं छोड़ा ना, हमेशा निभाया ना आपने। तो फिर मैं मम्मा मैं कैसे अपने पति को अपने ससुराल को अपने फर्ज कैसे छोड़ सकती हूँ मैं मम्मा, आप ही तो कहती है ना और कि बेटी का घर शादी के बाद उसका ससुराल होता है। तो फिर मम्मा और अब जब ये मेरे रिश्ते मेरा ससुराल मुझसे टूट रहा है तो फिर मैं क्या बचाना नहीं चाहूंगी, और आप भी तो नहीं चाहेंगी ना कि ऐसा हो। जाने दीजिए ना मुझे प्लीज प्लीज मम्मा। बात बातों में बहुत बड़ी बात कह दी तुमने गुट्टन, उन्होंने तुम पर सिर्फ अत्याचार किया और तुम आज भी उन्हें सिर्फ प्यार देना चाहते हो, तुम्हारा यही स्वभाव जीत दिलाएगा तुम्हें, तुम्हारी माँ को गर्व है तुम पर और हम एक कठोर माँ बनकर तुम्हें स्ट्रांग बनाते चले जाएंगे हमारी प्यारी छोटी। बेटा जब पॉप्स हैं तो आंसर्स के लिए इधर उधर भटकने की क्या जरूरत है, जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना मेरे पास लाया करो, मैं आंसर्स बताऊंगा और उन्हें सॉल्व करने के ना बहुत इजी से मेथड भी बताऊंगा, ओके? पर पॉप्स आप आपके एप्स को डेवलप करने में बिजी रहते हो। तो बेटा जब मैं बिजी होता हूँ तो चश्मिश मामा से पूछ लिया करो, सिंपल। इससे याद आया कि मेरे पास एक क्वेश्चन है। पूछो ना। कि ये घर जमाई क्या होता है? घर जमाई हमारे समाज का सबसे थका हुआ हारा हुआ बेकार और निठल्ला इंसान होता है। सबको वो एकदम बेवकूफ लगता है, वो जो किसी काम का नहीं होता। घर जमाई की इज्जत ना ही अपने ससुराल में होती है और ना ही समाज में। और सबसे हैरानी की बात यह है कि हमारा इतना काबिल और होशियार बेटा आज खुद एक घर जमाई बनकर बैठा है। हमारी फिक्र है और ना ही हमारे परिवार की इज्जत का ख्याल। तभी तो हमारी इजाजत के बगैर इतना बड़ा फैसला ले लिया जो इज्जत कमाने में हमें इतने साल लगे उसे एक ही झटके में मिट्टी में मिला दिया। अपनी चोरों का गुलाम बनकर आज निया के घर वाले हमारी बेइज्जती करके गए हैं, कल को कोई बाहर वाला आएगा। सारी दुनिया को तो हम जवाब नहीं दे सकते ना,
चिकू तुमने जो फैसला लेना था ले लिया, अब हमारी बारी। तुम्हारी सारी परेशानियां सारी चिंताएं एक झटके में हम खत्म कर देते हैं। तुम्हारी जिंदगी आज से सिर्फ तुम्हारी है। तुम जो चाहते हो जैसा चाहते हो करो। हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। और अब दोबारा कभी नहीं लौटेंगे। कभी नहीं। चीकू हमें घर छोड़कर कभी जाने ही नहीं देगा। बेटा है वो हमारा, उसे अच्छे से जानते हैं हम। अभी रोक लेगा हमें। ये पैतरा कभी फेल नहीं होता। चीकू उसने हमें नहीं रोका। आपके लिए खास हमने 56 से ये सारा नाश्ता मंगवाया। हाँ जी हाँ जी, ले रहे ले रहे। आप लोग खाइए, आरुषि बस आती होगी। ओके। अबे कौन है जी लोग जिनकी जिज्जी इतनी खातिरदारी कर रही है, और क्यों? लो आ गई। माँ आपने बुलाया? हाँ बेटा आओ यहाँ बैठो। ये है हमारी बेटी। आरुषि ये मिस्टर अग्रवाल है, इंदौर की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बहुत बड़ी जानी मानी हस्ती है, और ये इनका परिवार। इनके बेटे के लिए तुम्हें देखने आए। आरुषि का रिश्ता कैसे कैसे? ये सब क्या है माँ? आपने मुझसे पूछना तो दूर, मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। सब कुछ तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं है। हा? सवाल कम करो और इनसे प्यार से मिलो। रिश्ता अच्छा है, हाथ से जाना नहीं चाहिए। ये हमारा बेटा अगस्त्य। प्यार से हम सब इसे चीकू बुलाते हैं। ये हमारी बहू छोटी गुड्डन। भाग कम से कम एक बार बात तो कर ली होती मुझसे। अब चीकू सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि समय ही नहीं मिला, और वैसे भी रिश्ता तो एक न एक दिन होना ही है। परिवार अच्छा है, हमारी आरुषि इनके यहाँ खुश रहेगी, और हम माँ हैं इसकी। अपनी बेटी का रिश्ता तय करने का हक तो है हमारा। करते क्या? अजी करना क्या है? पापा जी ने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर रखा है, बस उसे ही संभालते हैं।
कोई एक्सपेंशन के प्लान्स? पैसों की कमी थोड़ी है, मतलब मंथली रेंटल भी हर महीने आता है और जमीनें भी बहुत हैं। राइट, पापा की। हाँ जी? अच्छा एक बात बताओ, अगर कल को बिजनेस में लॉसेस हुए तो उसके लिए कोई बैकअप प्लान तो होगा ना? आई मीन अब पूरी उम्र तुम्हारे पापा ही थोड़ी ना काम करते रहेंगे। ना ना, ये बिजनेस इतना फैला हुआ है कि नुकसान होने की तो बात ही नहीं है। हाँ, अगर गलती से ऊंच नीच हो भी गई तो पापा जी ने बहुत पैसे जमा कर रखे हैं, सब फिट है जी, तीन तीन तो बंगले हैं हमारे पास। और सोने चांदी का तो कभी हिसाब ही नहीं लगाया, सब मस्त है। राज करेगी आपकी बहन साले साहब, राज करेगी। अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़की का भाई हूं ना, तो प्लीज कोई बुरा मत मानिएगा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें लाइफ में थोड़ा इंडिपेंडेंट होना चाहिए? अपनी लाइफ और अपनी बीवी को खुद के दम पर सपोर्ट करने के लिए कैपेबल होना चाहिए। हंसी आ रही है? जोक मारा मैंने? अब जोक ही है। जो बंदा खुद इंडिपेंडेंट नहीं है, अपनी बीवी के घर में घर जमाई बन के रहता है, वो ज्ञान देगा तो जोक ही लेंगे जी। और मैं काम करूं या ना करूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पापा जी ने किया है। कम से कम तुम्हारी तरह यहां बैठ के अपनी बीवी के यहां रोटियां तोड़ने का प्लान नहीं है मेरा। Excuse me. How dare you? You have no right to talk to my brother like that.